Hey guys, welcome to Wi-Fi City, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल Wi-Fi City पे। So guys, जैसा कि आपको मालूम है सुबह के बज चुके हैं 5 और हमेशा की तरह दोस्तों आप लोगों के लिए हाजिर है मात्र 15 मिनट के अंदर हम लोग 12-13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कवर करने वाले हैं। ओके गाइज, तो आज 16 तारीख 16th of September के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रेगुलर होंगे, रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, और जल्दी रेलवे के जो बच्चे हैं उनके लिए एक सरप्राइज भी जो है वो मैं लेके आने वाला हूँ। देखेंगे ये सरप्राइज क्या है कुछ दिनों के बाद में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखते हैं जो कि महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग अभी उनके कोट देख रहे हैं, उनके बाद में फिर हम लोग और भी बड़े बड़े लोगों के कोट ऑफ द डे है जो कि हम लोग लेने वाले हैं। ओके गाइस, यू मस्ट बी द चेंज, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले दोस्तों जो आप दुनिया में देखना चाहते हो पहले अपने अंदर वो बदलाव है जो कि लाने की कोशिश करो। अगर आप सच में चाहते हैं कि दुनिया पीस में रहे, दुनिया अच्छी तरीके से बात करे आपसे, आपसे सब जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पेश आए, तो सबसे पहले ये बदलाव आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे, बिकॉज हम लोग भी एक दुनिया का पार्ट है। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि किसी और से मुझे रेस्पेक्ट मिले, अच्छी तरीके से बात करे, अच्छी तरीके से बिहेव करे, तो मुझे पहले दोस्तों दूसरों से अच्छी तरीके से बिहेव करना आना चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप बड़े अच्छी तरीके से बात करेंगे लेकिन उसके बाद में भी लोग आपसे अच्छी तरीके से बात नहीं करेंगे, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप अपना कर्मा करिए, अगले को अपना कर्मा करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज, लेकिन जरूरी है कि जो चेंज, जैसी अच्छी दुनिया, जैसे अच्छे लोग आप अपने आसपास चाहते हैं, जैसे एक अच्छा दोस्त आप अपने पास पास चाहते हैं, आपके जीवन में चाहते हैं, आप वैसा दोस्त अभी जिस दूसरे का बन के तो दिखाई है। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है गाइज, इसके अलावा आपको मालूम है अकेडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो आप BHU10 अपना यूज कर सकते हैं, रेफरल कोड, या फिर Bhunesh10। ओके, SSC में भी मेरा कंप्लीट GK का कोर्स चल रहा है, UPSC में भी चल रहा है, प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल के कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करने को मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। हिंदी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? हिंदी दिवस की बात करें तो देश के दोस्तों आपको मालूम है 40-45% लोग जो है वो हिंदी भाषी हैं, और 14 सितंबर को दोस्तों हम लोग हिंदी दिवस है जो कि मनाते हैं। ओके गाइज, हिंदी आपको मालूम है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है गाइज, ध्यान रखिएगा, पहले भी बोल चुका हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, या फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, अलॉन्ग विद इंग्लिश। इंग्लिश को हमने टेम्पररी कुछ टाइम के लिए रखा हुआ है। 1949 के अंदर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने अडॉप्ट किया था हिंदी लैंग्वेज को देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर, और ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि कंट्री का बना दिया था। ध्यान रखिएगा, नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों में बड़ा अंतर होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिस के काम के लिए आती है, सरकार के काम के लिए काम में ली जाती है। नेशनल लैंग्वेज का मतलब है पूरे कंट्री की, पूरे देश की लैंग्वेज, वो नहीं है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है? ठीक है, जल्दी बताइए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IIM की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सॉरी एम्स की। IIM तो क्या मैनेजमेंट का होता है, एम्स के बारे में बात कर रहे हैं। एम्स की बात करें तो कहां पे ओपन किया करने के लिए बोला गया है? दरभंगा के अंदर दोस्तों ओपन करने के लिए बोला गया है। मोदी जी ने दोस्तों अप्रूवल दिया एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए एम्स कहां पे? दरभंगा के अंदर, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत दोस्तों इसको एस्टैब्लिश करने के लिए बोला गया है। ओके गाइज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ओके, ये एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट पब्लिक मेडिकल कॉलेज है और नेहरू जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, आपको मालूम है ना, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसको बनाया गया। और ठीक है, सबसे पहले दिल्ली की शुरुआत करेंगे 1956 के अंदर, 22 टोटल इंस्टीट्यूट है जो कि अभी तक अनाउंस किए जा चुके हैं, है ना, 15 इंस्टीट्यूट जो है ऑपरेटिंग है, और 8 इंस्टीट्यूट है जो कि अभी 2025 तक ऑपरेशनल होंगे। ओके, 6 और के अभी प्रपोजल दे रखे हैं। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये पहले वाले है ना, ये सारे ऑपरेशनल है, मतलब काम कर रहे हैं, बाकी सारे अपकमिंग है, मतलब अपकमिंग यानी कि आने वाले टाइम पे। ठीक है गाइस, तो ये सबसे पहले दिल्ली की शुरुआत है जो कि 56 में करेंगे। ओके, ये सारे के सारे फ्यूचर के अंदर एम्स और उनके लोकेशन है जो कि बता रखी है। टिकटॉक ने अपने अमेरिकी कार्यों के लिए डैश को अपना प्रौद्योगिकी भागीदार है जो कि चुना है। टिकटॉक ने अपने अमेरिकन कार्यों के लिए किसको चुना है दोस्तों? ओरेकल को चुना है। ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है जब ट्रंप साहब ने बोला था कि भाई टिकटॉक को खरीद लो, ठीक है, तो टिकटॉक को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल दोनों दौर में थे, जिसके अंदर ज्यादा बिट जो मारी है वो ओरेकल ने मारी है, और टेक्नोलॉजी पार्टनर है जो कि बन गया है टिकटॉक का। ओके गाइज, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए, बाइटडांस करके कंपनी है, उसका है टिकटॉक। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक माई लाइफ इज डिजाइन का लेखक है? माई लाइफ इन डिजाइन, इस किताब के जो लेखक है दोस्तों वो है गौरी खान। ओके, शाहरुख खान की जो वाइफ है दोस्तों, और
ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर है गौरी खान, तो वो ऑथर है दोस्तों माई लाइफ इन डिजाइन किताब के, जिसको पब्लिश किया जाएगा 2021 के अंदर, ठीक है। चलिए, और इनकी जो जर्नी है एज ए डिजाइनर वो इसके अंदर बताया गया है। हिंदी स्वराज पुस्तक हाल ही में खबरों में थी, निम्नलिखित में से कौन हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक है? बहुत ही सिंपल सवाल है, उम्मीद करता हूँ आंसर आपको पता होगा। हमारे दोस्तों प्यारे महात्मा गांधी जी है दोस्तों, जो कि हिंदी स्वराज के ऑथर है, ठीक है गाइस। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया दोस्तों, वापस से भारत ने सतत विकास पर महात्मा गांधी जी के विचार को वापस से दोहराया है दोस्तों। 1909 के अंदर ही जो गांधी जी की किताब थी हिंदी स्वराज, उसी के अंदर भारत में गांधी जी ने बोल दिया था कि हमें क्या करना चाहिए, इंडिया अगेंस्ट अनरिस्ट्रिक्टेड इंडस्ट्रियलिज्म और मटेरियलिज्म को लेकर उन्होंने बात करी थी। ओके गाइस, उन्होंने बोला था कि अप्रतिबंधित उद्योगवाद और भौतिकवाद के खिलाफ भारतीयों को आगाह है, जो कि किया था, और बोला था कि हमारे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। ये किताब 1909 के अंदर है दोस्तों, और इसको लिखी गई थी है ना गुजराती लैंग्वेज के अंदर। 2010 में इसको बैन कर दिया गया था, सेडिशन टैक्स के नाम पे, इसको राष्ट्रद्रोह के नाम पे इस किताब को बैन कर दिया गया था। चलिए, और भी इंपॉर्टेंट किताब है जो कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंदी स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, विलेज स्वराज, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ओके, तो ये सारी किताबें लिखी गई। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद ने के एक निकाय कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वीमेन के सदस्य के रूप में चुना गया है? ठीक है गाइस, मेंबर ऑफ द कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, ये दोस्तों इंडिया को इस बार चुना गया है। तो इंडिया को दोस्तों इलेक्ट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ द कमीशन, किसके, स्टेटस ऑफ वुमेन, एक बॉडी है जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में काम करती है। 4 साल के लिए भारत को चुना गया है दोस्तों। इसके अलावा इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना दोस्तों इसके कॉन्टेस्ट के अंदर थे और इंडिया ने इसको जीत लिया है। ओके गाइस, चलिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें तो ये भी एक दोस्तों क्या है, यूएन का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्म है, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल है ना, जनरल असेंबली है, उसी प्रकार से है। ओके, जो भी पॉलिसी का रिव्यू करना, पॉलिसी के डायलॉग, रिकमेंडेशन, ओके, ये सारे काम यही करता है। 45 में फॉर्मेशन हुआ, मोना अभी प्रेसिडेंट है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 54 मेंबर है दोस्तों उसके, ठीक है, 3 साल के लिए इसमें चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनजर व्यापारियों को सीमित पैमाने पर हिल्सा मछली के निर्यात के लिए विशेष अनुमति दी है? हिल्सा मछली के बारे में आपको बताना है, ये तो अनुमति दी गई है दोस्तों, ये किसको, बांग्लादेश के द्वारा दोस्तों दी गई है एक्सपोर्ट करने के लिए हिल्सा फिश। ओके, ताकि आपको मालूम है दुर्गा पूजा के टाइम पे, तो बांग्लादेश के जो कॉमर्स मिनिस्टर है उसने स्पेशल परमिशन है जो कि ट्रेडर्स को दी है एक्सपोर्ट करने के लिए हिल्सा फिश इंडिया को और दुर्गा पूजा के ऊपर, ठीक है। नियर बाय 1500 टन जो है हिल्सा वो इंडिया है जो कि लाई जाएगी। इससे पहले दोस्तों 2012 में इन्होंने बैन है जो कि इसको कर दिया था, ठीक है गाइस, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, हिल्सा की बात करें, एंडेमिक स्पीशीज है बांग्लादेश की, जिसको किंग ऑफ फिश के तौर पर भी जाना जाता है, नेशनल फिश है बांग्लादेश की दोस्तों, सिंबल मानी जाती है इंडियन स्टेट के वेस्ट बंगाल त्रिपुरा के अंदर है ना, स्टेट सिंबल भी मानी जाती है। 12% टोटल फिश प्रोडक्शन में इसी का काउंट होता है और बांग्लादेश की नियर बाय 0.25% जीडीपी में भी। सितंबर में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किससे सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया, एक्सपोर्ट दोस्तों लगा दिया गया था किसके ऊपर दोस्तों, प्याज के ऊपर, ओनियन के ऊपर। आपको मालूम है हमारे यहाँ पे खुद प्याज की बड़ी समस्या हो जाती है कई बार, प्याज के पीछे तो सरकारें गिर जाती है हमारे देश के अंदर, आपको मालूम है प्याज की रेट दोस्तों कई बार आसमान छू जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है मिडिल क्लास आदमी को है ना। तो हमारे देश में क्या रहे कि हम खुद ही जो है वो प्याज के को ज्यादा आगे ना भेजे, लोकल के जो प्रोडक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको मैनेज करें, इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन है जो कि लगाया था। ओके गाइस, ताकि सभी को अवेलेबिलिटी रहे और जो प्राइस है वो ज्यादा ना बढ़े। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संस्था ने, इनक्यूबिटी स्टार्टअप ने सामाजिक दूरी मापदंडों को लागू करने के लिए वैली बैंड पहनने योग्य गैजेट लॉन्च किया है? एक गैजेट बनाया है दोस्तों जो पहन के आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकते हो, किसके द्वारा, IIM कोझिकोड़े के द्वारा बनाया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड़े ने दोस्तों एक स्टार्टअप है उनका वहां पे, उन्होंने एक यूनिक, ये देखिए इस तरीके का दोस्तों है ना, एक यूनिक यूजर फ्रेंडली वेरिएबल डिवाइस जो कि बनाया है सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखने के लिए। क्वालफाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप है जो कि किया गया है और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? मेडिकल ऑक्सीजन जो लेके जाते हैं ना उनको एम्बुलेंस का दर्जा दे दिया है ताकि लोगों की मदद किया जा सके। तो
और ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों ऐसा किया गया है, सॉरी महाराष्ट्र। ठीक है, अब मेरे को पता है बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे कि सर आप तो गलत करते हो ये वो, आई एम सॉरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र होगा। ठीक है गाइस, तो आंसर आपका महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो है एम्बुलेंस स्टेटस है जो कि व्हीकल को दे दिया है मेडिकल ऑक्सीजन फॉर 1 ईयर। ओके गाइस, ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब बच्चे जो है वो कमेंट के अंदर ये नहीं देखेंगे कि मैंने वापस से सही किया है, ये देखेंगे कि जो है कुछ बच्चे जो कि गलत लगा दिया है अपना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब चलता है ना। चलिए कुछ जनरल फैक्ट्स महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मालूम है वेल्थी स्टेट है दोस्तों हमारे देश का, है ना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी दोस्तों काफी है यहाँ पे। मराठा एम्पायर यहाँ पे दोस्तों हुआ करता था, और जिसमें पेशवाज पुणे के हुआ करते थे, भोसले नागपुर के, गायकवाड़ बड़ौदा के, होलकर इंदौर के, सिंधिया ग्वालियर के हुआ करते थे। विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदल के बाद में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रखा गया, बाद में इसको बदल के छत्रपति महाराज जो है शिवाजी है जो कि रखा गया था। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है दोस्तों, जिसको बिल्ड किया गया 1897 के अंदर। यहाँ पे विलियम एक आर्किटेक्ट उनके द्वारा इसको बनाया गया था ना। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है इसका नाम बाद में वापस से रिनेम किया गया था। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सब नेशनल एंटिटी है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी इसको कहते हैं दोस्तों, क्योंकि काफी बड़े बड़े कॉलेजेस है दोस्तों पुणे के अंदर महाराष्ट्र में। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं नासिक को, काफी वाइन है जो कि यहाँ पे बनती है। यहाँ पे नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है पंच, संजय गांधी, बोरीवली, ताडोबा। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि मराठा कम्युनिटी को इन्होंने रिजर्वेशन को लेकर बात करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया। 600 एकड़ जो है एरे जो लैंड है उसको संजय गांधी नेशनल पार्क में रिजर्व करने के लिए बोला गया। 50 लाख का इंश्योरेंस दोस्तों देने के लिए बोला गया प्राइवेट डॉक्टर को जिनकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो जाती है। और साथ में महाराष्ट्र के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे शिवाजी राव जी, उनके भी मृत्यु हो गई थी। हाल ही में अन्ना दुराई जी की 111वीं जयंती मनाई गई। अन्ना दुराई जी देश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। अन्ना दुराई जी की बात करें दोस्तों तो ये तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ओके गाइस, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के, जिनको अरिंगार अन्ना के नाम से दोस्तों काफी फेमस थे। ओके गाइस, राज्यसभा के मेंबर है। ओके चलिए ठीक है, जनरल फैक्ट्स की बात करें तमिलनाडु के बारे में, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग क्लासिकल लैंग्वेज है तमिल लैंग्वेज, आपको मालूम है। ओके गाइस, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस भी इसको दे रखा है, सबसे पहले इसी को इंक्लूड किया गया था। रामेश्वरम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलीजियस इंपॉर्टेंस के पास, और रामनाथ स्वामी टेम्पल है यहाँ पे दोस्तों रामेश्वरम के पास में, है ना, शिवाजी को डेडिकेटेड है। 12 ज्योतिर्लिंग जो है शिवा के अपने उनमें से एक है दोस्तों। ठीक है गाइस, लॉन्गेस्ट कॉरिडोर भी है दोस्तों उसी के अंदर। और ठीक है चलिए, मद्रास और टूटीकोरन यहाँ पे मेजर पोर्ट्स है। और पहला ग्रेनाइट टेम्पल दोस्तों बिदेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु के अंदर ही बनाया गया था, आपको मालूम होगा। फेस्टिवल के अंदर पोंगल, जल्लीकट्टू बड़े फेमस है, भरतनाट्यम, कोलाटम, ये दोनों दोस्तों आपके डांसर्स फेमस है। पलानी स्वामी जी ने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी रिलीज करी। इसके अलावा अदि चालुकर एक बहुत ही पुरानी साइट है दोस्तों, वो पता करी गई थी, है ना, तमिलनाडु के अंदर। जीआई टैग मिला रिसेंटली किसको? तंजावुर के नेटिव वर्क को और अरंबावुर के वुड कार्विंग को। ठीक है, तो ये सारे रिसेंटली जो इवेंट हुए हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? फिर से मतलब पहले भी चुना गया था, बीच में कुछ टाइम के लिए गैप हो गया, अपोजिशन ने हार मान ली, मतलब उन्होंने अपना लीडर जो है वो खड़ा नहीं किया, और हरिवंश जी को दोस्तों वापस से राज्यसभा के उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, राज्यसभा के द्वारा ही दोस्तों इनको इलेक्ट है जो कि किया जाता है। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा की बात करें तो अपर हाउस है, परमानेंट हाउस है, 245 सीटें हैं, 12 नॉमिनेट होते हैं, 233 इलेक्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, 250 से ज्यादा सीटें यहाँ पे नहीं हो सकती, और एक तिहाई हर 2 साल में रिटायर होते हैं, यानी कि 6 साल का इनका कार्यकाल है जो कि होता है। ओके, दिल्ली और पांडिचेरी का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा सभा में देखने को मिलता है, और चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों राजेश कुल्लर जी को अपॉइंटमेंट किया गया है। ओके गाइस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के बने हैं, आईएएस ऑफिसर है, और हरियाणा कैडर के दोस्तों सेक्रेटरी भी रहे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर साहब के। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, आईबीआरडी और आईडीए दो से मिलकर दोस्तों आपका वर्ल्ड बैंक है जो कि बनता है, और 1918 में वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। आईबीआरडी के 189 कंट्रीज मेंबर है और आईडीए के 173 है। आईबीआरडी जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देता है,
और ये लो इनकम गरीब कंट्रियों को लोन है जो कि देता है। आईडीए के अंदर आपको इंटरेस्ट फ्री, आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है। इंडिया दोनों से हम लोग लोन ले लेते हैं। अंशकुला का एमडी सीएफओ है, डेविड मालपास प्रेसिडेंट है, ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है यहाँ पे, अभी चेयरमैन है। इसके अलावा अगर आपको दोस्तों मेरी फ्री क्लासेस देखनी है एनसीईआरटी की यूपीएससी के लिए, तो डेली सुबह 10 बजे आप देख सकते हो। और 3 मंथ चैलेंज को ज्वाइन नहीं किया है तो देख लेना, बहुत ही जबरदस्त क्लासेस होती है गाइस, मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार करके तो देखो ज्वाइन। कैसे करोगे? भुवनेश शर्मा अकेडमी पे ऊपर की तरफ सर्च करना पड़ेगा, फिर नीचे फॉलो कर लो, मेरी सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी तो आपको मालूम ही है दोस्तों, भुवनेश 10 आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते वक्त यूज करना है। कंप्लीट फाउंडेशन बैच जीके मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का चल रहा है एसएससी में, यूपीएससी में भी प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल की कंप्लीट तैयारी मेरे 1.5 साल के करंट अफेयर के साथ में कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, गोल सिलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, 12 महीने पे जाओ, रेफरल कोड पूछेगा तो BHU NASH भुवनेश 10 या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 10 अप्लाई कर दो, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे, इंजीनियर्स डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे के बारे में आपको दोस्तों बताना है, ठीक है गाइस। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वापस मिलेंगे सुबह 8 बजे वाले एक और धमाकेदार सेशन के ऊपर, ठीक है गाइस। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।